यूपी में चौथे फेज की वोटिंग के लिए आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। कल 9 जिलों की 59 सीटों पर होनी है वोटिंग। सोमवार को शाम 6 बजे थम गया प्रचार का शोर। आज बहराइच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरेंगे हुंकार। महनौन विधानसभा के पयागपुर में करेंगे चुनावी जनसभा। रैली स्थल पर तैयारियां पूरी। पांचवें चरण के प्रचार के लिए आज भाजपा समेत कई दलों के दिग्गज करेंगे प्रचार। अमित शाह सीएम योगी समेत भाजपा के महारथी मांगेंगे वोट। अखिलेश यादव, मायावती, ओवैसी, केजरीवाल भी करेंगे वोट की अपील। मनीष गुप्ता हत्याकांड की सीबीआई की विशेष कोर्ट में 26 फरवरी से शुरू होगी सुनवाई। सभी आरोपी पुलिसकर्मियों को तिहाड़ जेल में किया गया शिफ्ट। पुलिस की पिटाई से मौत का है आरोप। आजमगढ़ शराब कांड से सपा प्रत्याशी का निकला कनेक्शन। रमाकांत यादव के भांजे की शराब ठेके से लोगों को बेची गई थी जहरीली शराब। शराब कांड में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों को सताने लगा है ईवीएम से छेड़खानी का डर। उधम सिंह नगर में स्ट्रांग रूम के बाहर पहरे पर बैठे प्रत्याशी और समर्थक। उत्तराखंड भाजपा में नहीं थम रहे भीतरघात के आरोप। अब कैबिनेट मंत्री बिशन सिंह चौफाल ने भी कई विधानसभा सीटों पर जताई आशंका। कांग्रेस नेताओं का आरोप, भाजपा नेता मान चुके हैं हार। उत्तराखंड के भाजपा नेता करेंगे यूपी में चुनाव प्रचार। 70 सदस्यीय दल पहुंचा लखनऊ। मंत्री धन सिंह रावत के अलावा 5 विधायक, पूर्व विधायक भी शामिल। कोविड से लड़ाई में भारत को मिला एक और हथियार। 12 से 18 साल तक के बच्चों के लिए सरकार ने दी कोविरवैक्स वैक्सीन को मंजूरी। 28 दिनों के भीतर लेनी होगी वैक्सीन की दोनों खुराक। उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट जारी है। आज पर्वतीय इलाकों में हो सकती है बर्फबारी। 23 और 24 फरवरी के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। शाजापुर में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी और प्रेमिका को लड़की के भाइयों ने मारी गोली। गोली लगने से प्रेमिका की मौके पर ही मौत। प्रेमी की हालत नाजुक, मेडिकल कॉलेज में भर्ती। 2 आरोपी पुलिस हिरासत। सीतापुर के हर गांव में सीआईएसएफ जवान से भरी बस खाई में जा गिरी। जवानों को आई चोट। एएसपी सहित भारी पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे। लखीमपुर खीरी में चुनाव ड्यूटी के लिए जा रहे थे सभी। बाजपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार पिता और 2 साल के बेटे की मौत हुई। मृतक की पत्नी और एक बेटा गंभीर रूप से घायल हुआ। बाजपुर से सुल्तानपुर जा रहे थे पति पत्नी और उनके 2 जुड़वा बच्चे। प्रतापगढ़ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा पर साधा निशाना। कहा, मुसीबत में सबको अब्बा जान याद आते हैं। भाजपा सरकार जाने वाली है और इसीलिए भाजपा को अब्बा जान याद आ रहे हैं। अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा में संजय निषाद ने की जनसभा। सपा सरकार पर किया तीखा हमला। बोले, सपा सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडा राज था। माफिया करते थे जमीनों पर कब्जा। चौबीस फरवरी को अमेठी दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। जनसभा को करेंगे संबोधित। पीएम के दौरे से पहले कार्यक्रम स्थल पर भाजपा नेताओं ने किया भूमि पूजन। कई नेता रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह ने चुनाव प्रचार के दौरान किया अपशब्दों का इस्तेमाल। सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। गाजीपुर में कांग्रेस प्रत्याशी लौटन राम निषाद ने किया प्रचार। इस दौरान महिलाओं के सम्मान के लिए बेटी हूं लड़ सकती हूं के तहत दर्जनों महिलाएं कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार प्रसार में शामिल रही। 8373 परीक्षा केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षा। यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जारी की परीक्षा केंद्रों की लिस्ट। जरूरत को देखते हुए 107 परीक्षा केंद्र बढ़ाए गए हैं। मतगणना के बाद बोर्ड परीक्षा कराने की तैयारी है। पूर्व सांसद अतीक अहमद के छोटे बेटे अली के खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित हुआ। दिसंबर 2021 में करेली थाना में दर्ज हुआ था मुकदमा। 5 करोड़ की रंगदारी मांगने, जमीन कब्जाने पर मामला किया गया था दर्ज।
पीएम मोदी के सपा और साइकिल को आतंकवाद से जोड़कर दिए गए बयान पर अखिलेश यादव ने किया पलटवार। लिखा, पीएम मोदी के बयान को न सिर्फ साइकिल का अपमान बल्कि पूरे देश का अपमान बताया जाना चाहिए। पीएम के बयान पर अखिलेश का पलटवार, साइकिल नहीं पूरे देश का अपमान बताया गया। बाराबंकी में गरजे अमित शाह ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस ने हमेशा दंगाई आतंकियों को बचाने का काम किया। अखिलेश बाबू और प्रियंका बहन को ये फालतू जीव लगती है। अखिलेश बाबू, जिस बम धमाकों में सैकड़ों लोगों की जान गई वो आपके लिए फालतू हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए वो आतंकवादियों को फांसी कराने से बड़ा कोई काम हो नहीं सकता। गृहमंत्री अमित शाह के परिवार ने काशी विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर में गृहमंत्री ने दर्शन पूजन किए। वाराणसी में गृहमंत्री ने काशी क्षेत्र की बैठक भी की। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय प्रयागराज में कर रहे हैं जगह जगह पर प्रचार। इस दौरान उन्होंने अखिलेश और सपा पर बोला बड़ा हमला। विजयवर्गीय ने कहा कि अखिलेश यादव को अपनी हार का एहसास हो चुका है। प्रतापगढ़ के विश्वनाथगंज विधानसभा के देवापुर असदुद्दीन ओवैसी, बाबू सिंह कुशवाहा, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशी अशफाक अहमद के समर्थन में किया जनसभा को संबोधित। ओवैसी ने कहा, कोरोना की दूसरी लहर में जनता को ऑक्सीजन के लिए तरसाने वाले अब फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं। वहीं बस्ती में चुनावी सभा के दौरान रोने लगे सपा उम्मीदवार त्रयंबकम पाठक, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जनसभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री रामप्रसाद चौधरी भी मौजूद थे। वाराणसी में सपा के मुस्लिम प्रत्याशी ने खुद को बताया श्री राम का वंशज। सपा से शहरी उत्तर के प्रत्याशी अशफाक अहमद डब्ल्यू ने दिया बयान। अशफाक के बयान से सरगर्मी बढ़ गई है। अरे हम मुस्लिम है तो क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? अरे आप कहते हैं जय श्री राम, हम भी श्री राम के वंशज हैं भाई। तैयारी अभी हम लोग की तय नहीं हुई है, हम लोग की एक दो दिन में बैठक होगी, उसमें रूट तय किया जाएगा किस रूट से आएंगे, कहां सभाएं होगी, ये सब सारी चीज। कौशाम्बी के सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनसभा की। अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनुप्रिया अपनी बड़ी बहन और सपा की सिराथू विधानसभा प्रत्याशी पल्लवी पटेल को भी आड़े हाथों लिया। बाराबंकी में कांग्रेस स्टार प्रचारक सचिन पायलट ने जैतपुर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी तनुजा पुनिया के लिए मांगे वोट। सचिन पायलट ने प्रदेश की योगी सरकार पर भी साधा निशाना। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज से भाजपा प्रत्याशी राघवेंद्र प्रताप सिंह लगातार उड़ा रहे आचार संहिता की धज्जियां। चुनाव प्रचार में भाषण के दौरान कर रहे हैं अपशब्दों का इस्तेमाल। भाजपा प्रत्याशी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मऊ की सदर विधानसभा से बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे के खिलाफ पीस पार्टी के प्रत्याशी मुनव्वर अली को फोन पर जान से मारने की मिली धमकी। अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस प्रशासन ने मुनव्वर अली को दी सुरक्षा। बहराइच में करोड़ों रुपए की लागत से बनी पानी टंकी से जलापूर्ति बाधित करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पंचायत भवन पर प्रदर्शन कर 27 फरवरी को मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की है कि जलापूर्ति चालू करा दी जाए, लेकिन अब तक नहीं की गई कोई भी व्यवस्था। हमीरपुर में शराबी युवकों ने मोबाइल शॉप में घुसकर कर्मचारी से की मारपीट, गाली गलौज भी की। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया सामने। पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। सदर कोतवाली के किंग रोड का मामला। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और जागेश्वर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद सिंह कुंजवाल का दावा। कहा, 45 सीटें जीतकर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस। भाजपा सरकार के काम को देख चुकी है जनता, अब देगी कांग्रेस का साथ। लखनऊ के डीएम और जिला निर्वाचन अधिकारी की अनूठी पहल। मतदान के दिन सभी पोलिंग बूथ पर लगाए जाएंगे 3 पौधे। पहले पुरुष मतदाता, पहली महिला मतदाता और पोलिंग पार्टी, तीनों एक एक पेड़ लगाएंगे।
कानपुर के नौबस्ता में हाईवे पर चुनाव ड्यूटी में जा रही पुलिसकर्मियों से भरी रोडवेज बस ट्रक में टकरा गई। हादसे में सवार 26 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुलंदशहर के मकान में घुसा बुलडोजर, चालक की लापरवाही से हुआ हादसा। हादसे में बाल बाल बचा परिवार। मकान हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों के अनुसार रोज सड़क पर होती है बुलडोजर की अवैध पार्किंग। कड़ी मशक्कत के बाद ट्रैक्टर से निकाला गया मकान से बुलडोजर। बस्ती के महाराजगंज बाजार में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। दुकान में रखे लाखों के कपड़े जलकर खाक हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में तैनात महिला सिपाही रुचि सिंह की हत्या के आरोप में प्रतापगढ़ में तैनात तहसीलदार को किया गया गिरफ्तार। आरोपी तहसीलदार और महिला सिपाही के बीच चल रहा था प्रेम प्रसंग। लखनऊ पुलिस ने आरोपी तहसीलदार और उसकी पत्नी को किया गिरफ्तार। जौनपुर में जमीन विवाद में दो की हत्या कर दी गई। युवक ने चाची और रिश्तेदार को गोलियों से छलनी कर दिया। पुलिस ने आरोपी को असलहे के साथ गिरफ्तार किया। सिंगरा मऊ थाना क्षेत्र के मल्लूपुर गांव में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया। जौनपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय में छात्रों के दो गुटों के बीच हुई मारपीट। सरेआम चले लात घुसे। मारपीट होने पर परिसर में मची अफरा तफरी। स्कॉलरशिप को लेकर अलग अलग संस्थाओं के छात्र कर रहे थे प्रदर्शन। नोएडा के सेक्टर 126 में अमेठी यूनिवर्सिटी के पास छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। आपस में चले लाठी डंडे। दोनों गुटों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। आजमगढ़ के बाहुल में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की हुई मौत। 41 को रेफर किया गया हाई सेंटर। 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिला प्रशासन ने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी निजी अस्पतालों को किया अलर्ट। वाराणसी में फ्री नाश्ते के लिए सिपाही की दबंगई कैमरे में कैद हुई। नशे की हालत में सिपाही ने दुकानदार को पीटा है। उच्च अधिकारियों ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया। सिपाही लाइन हाजिर किया गया। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधान पति की दबंगई आई सामने। दबंग प्रधान पति ने की गांव के युवक के जूते चप्पलों से पिटाई। पीड़ित युवक के गले में फंदा डाल गांव की गलियों में खसीटा। हरिद्वार के जगजीतपुर में सीएम धामी ने किया निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण। 2024 में मेडिकल कॉलेज तैयार होने की कही बात। एमबीबीएस की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए मील का पत्थर साबित होगा। चंपावत के एसपी देवेंद्र पिंचा ने लोहाघाट थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। पुलिसकर्मियों को ड्यूटी ईमानदारी के साथ और जनता के साथ दोस्ताना व्यवहार रखने के निर्देश दिए। अल्मोड़ा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की प्री बोर्ड हुई परीक्षाएं शुरू। कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षार्थियों की सुरक्षा के लिए स्कूलों में बरते जा रहे हैं एहतियात। परीक्षा से पहले स्कूलों को कराया गया सैनिटाइज। जोशीमठ के तपोवन सुरंग से शव मिलने से हड़कंप। एनटीपीसी जल विद्युत परियोजना के तपोवन सुरंग से मिला शव। 7 फरवरी 2021 की प्राकृतिक आपदा में लापता हुए व्यक्ति का शव बताया जा रहा है। मथुरा अदालत ने जेल गैंगवॉर के सभी 14 आरोपियों को किया बरी। 7 साल बाद आया फैसला। मथुरा जेल में 17 जनवरी 2015 को हुई थी गैंगवॉर। कश्मीर में शहीद हुआ देवरिया का लाल। अंतिम दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। तिरंगा के साथ निकली शव यात्रा। ताजमहल में 3 दिन मिलेगा निशुल्क प्रवेश। 27 फरवरी से शाहजहां का 3 दिवसीय उर्स रहेगा। महाशिवरात्रि से पहले कावड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। बिजनौर में सालों से बना रहे मुस्लिम कारीगर कावड़ बनाकर पेश कर रहे एकता की मिसाल। अमरोहा में 10 मार्च को होने वाली मतगणना केंद्र का जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी ने किया निरीक्षण। व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधीनस्थों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। मतगणना स्थल की तैयारियों को लेकर प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया का कमाल। 6 साल में पहली बार आईसीसी T20 रैंकिंग में नंबर 1 पर। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भी इंग्लैंड के बराबर 269 रेटिंग। वेस्टइंडीज के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-0 से किया क्लीन स्वीप।